तो हाँ जी, स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज बनाने जाना है रील। ज़्यादातर हम रील राल बनाने जा नहीं करते, मतलब खेत में हम जो अपनी नॉर्मल वीडियो उन मत रील राल कलेक्ट कर लिया करें, कट कर का वीडियो। बाकी आज स्पेशल जाऊँगा रील राल बनाने खातर। और तो उसके बाद फिर अपना थोड़ी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाऊँगे। और उसके बाद आपके लिए सरप्राइज है, वो नेक्स्ट वीडियो में आओगा, इस वीडियो में नहीं है। कल वीडियो, हाँ कल आ जाएगा आपके लिए सरप्राइज है वो, और कल की वीडियो मिस मत करना। बाकी आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। जो हमने रील्स बनाई थी वो इकट्ठी करके सिद्धू मूसे वाले का गाना लगा दिया रील के ऊपर एडिटिंग करके, बाकी वो सॉन्ग टाइप का बन गया। उसने आप देख लियो, अच्छी लगा तो भाई बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने अच्छी लगेगी तो। बाकी देख लेना उसको पूरी, और लास्ट में जो वीडियो थी अपना वीडियो मिल जाएगी आपने। तो मिलते हैं कल उसी सरप्राइज के साथ, कल तक के लिए बाय बाय। फिर तू नाराज रहूगा हैं? नाराज नहीं रहना, जान फिर नाराज क्यों हुआ? नाराज नहीं, नाराज क्यों? नाराज नहीं तू को इतना देख भाई जी, क्यों नहीं गंदा तू अपना भाई दिल तब होगे तू समझ भाई अंदर बैठ के दौर टूटे दौर ला भाई कतिला दौर ले तू लौट दे इसके ऊपर अरे कुकर मैं रंधा नी ला गले मिले ला ला डैन ला कति नाश हो गया पाल को तेरे गेल रहूंगा बात करवा दे फिर बैठ के दिन की करवा मम्मी मिला
मार डबी सोन चलिया मार दौर मर जगह कति कति दबन प्यारे सोनू प्यारा भाई दोनों प्यारे तो झूठ बोल दंदा उरा तो झूठ बोल दंदा देख रहे कर भाई चाची लमेरी कर वो हेलो क्या हो आवाज दे और आवाज आओगी बात कर वाला हेलो यार है 19 और का तो जोनी मानन के देख तेरे वाले टार ऊंचे टार भाई मेरे वाले सोन वाले भी टम्पू के हमारे टम्पू के भाई टम्पू के टायर अपने ला देखे मैं भी नाटे छोरे कोई साली करता धोनी का काट के धोनी लग जा मेरे तो चली पट गया
ਵਾਲੀ ਮੁਸਗੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਤੇ ਮੂਸਾ ਲੋ ਭਾਈ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ तो भाई देखो अपने जो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है खोल रखा, न्यू पेडेस का पंप और उरा इसकी मोटर है, अगर मोटर या मोटर है इसकी खोल क्यों रखा थोड़ा इसके बारे में बता दूं। क्योंकि देखो भाई मेरे ख्याल से शायद ही कोई ट्रैक्टर ऐसा होगा भाई जिस ट्रैक्टर में इतने टायर चेंज हो लिए होंगे, एक दो तीन कम से कम भी दस आठ दस, चल दस नहीं होगी तो आठ पक्का है नहीं, आठ दस हो लिए होंगे जो नहीं, हाँ दस टाइप के अलग अलग टाइप के टायर इसमें ट्रैक्टर में चेंज हो लिए और नू नहीं बेरा भाई बदल कितनी बार लिए, मेरे ख्याल से 100 बार ट्रैक्टर के टायर निकाल कर दोबारा लगा लिए और उस वजह से भाई बार बार नए नए टायर हम इसमें लगाए हैं और अलाइनमेंट चेक नहीं करवाते, स्टंट मारे हैं और भाई काम ज़्यादा अपने उल्टे हैं, उस वजह से अपने स्टेयरिंग में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ रही भाई जैसे ट्रैक्टर चला रहे हम, एक मिनट इस पर तो बैठ कर दिखा नहीं सकता, सोन वाले में बैठ कर दिखा दूँ तो देखो जैसे भाई ट्रैक्टर अब चल रहा है अपना, ये लगा लो आप 20 RPM पे टॉप गियर में अपना चल रहा है ट्रैक्टर और स्टेयरिंग मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है ट्रैक्टर का, तो चलता चलता अपने आप ही ऑटोमेटिक उस तरफ मुड़ जाता था ट्रैक्टर या फिर अपने आप ही दूसरी तरफ मुड़ जाता था, ठीक है मतलब प्रेशर कटता रहता है। प्रॉब्लम पहला थोड़ी थी, धीरे धीरे अब ज़्यादा होगी। फिर यार वही बात है, मैं तो चलो कंट्रोल मुझे पता है भाई हाँ इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, अगर कोई ट्रैक्टर पापा लेके चले जाओ उन्हें नहीं पता इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, कल को चोट चाट लगी प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा क्रिएट। तो फटाफट हमने इसका जो सारा सारा सामान खोल लिया, तेल भी निकाल लिया, तेल दिखाऊँ मैं एक मिनट आप तो सारा था एक मिनट हाथ को दिखाऊँ मैं कती पैनी पर करने का तेल है जो नहीं वो 15-16 हजार रुपया तेल तेल का लिया था पिछला रिप तो रही मैं 8200 रुपये का 8200 रुपये की एक बाल्टी होगी शायद 20 लीटर की बाल्टी होगा अपना म्यूजिक सिस्टम भी टूटा है इधर वो टूट रहा है तो समान खोल लिया जान ला रे करनाल करनाल तो स्टेयरिंग का ये मोटर ले ली स्टेयरिंग का पंप ले लिया और इन्हें ठीक करवा के लेके आऊंगे भाई देखो टापे टुपे भी उतार रखे ट्रैक्टर के दोनों 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 तरफ की इस तरफ का भी और उस तरफ का भी, तो फटाफट एक बार सामान सारा सारा गाड़ी में रख ले और जोनियर में जाऊंगे जोनी फुल रेडी है यार उस तरफ पूछ ले चल आगे चल दादी गे चल आ तू भी ना 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 चल लेंगे भाई चलो चलो आ जाओ भाई गाड़ी में चल चलते एक तो यहाँ पिन लेकर आए 4 स्प्रिंग और फ्रंट जो अपने टायर है इनके लिए थोड़े नट लेकर आए क्योंकि जल्दी एक सरप्राइज आना है, वीडियो में आगे चलकर उसके बारे में बात करेंगे आप तक। और अपना जो इसकी मोटर थी मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली भाई, इसकी मोटर जो एक्यूरेट ठीक है अपनी चेक करवा ली थी उन पर, बाकी इसमें प्रॉब्लम थी इसकी सील साल कट रही थी कोई अंदर तक वो ठीक करवा दी, इंस्टॉल करने के बाद पता चलेगा ट्रैक्टर ठीक चला या नहीं चलेगा। बाकी भाई और कट गए तो एक बार यार इन्हें बैठ ला बाकी वीडियो बाद में बनाऊंगा। लो जी फाइनली सुबह हो गई यार, जो अपना पावर स्टीयरिंग हमने खोल ली थी वो भी बैठ दी, पावर स्टीयरिंग का सॉरी पंप और मोटर थी वो भी बैठ दी, थोड़ा रेस में भी जुगाड़ कराया है वो तो दिख जाएगा शायद, दिखेगा दिखेगा देखो 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 ये ओड़ा ये हो रहा, ठीक है बाद में बताऊंगा इसका जुगाड़ के फायदा लगेगा हमें केस का बेनिफिट होगा और सारा सारा मतलब यो हिस्सा सारा सारा हमने उतार रखा था ट्रैक्टर का और मैट भी बिछा देंगे इसका, स्पाइस भी करवा कर ट्रैक्टर वॉश भी करवाना हमने क्योंकि सारा सारा भाई तेल की वजह से काला हो रहा है, बाकी जो अपना यो तेल है यो तेल भी डाल देंगे इसने यहाँ पर रख देनी, 38 लीटर के आसपास तेल ट्रैक्टर में, 1 लीटर
एक लीटर नीचे खिंट गया और एक डेढ़ एक लीटर के आसपास तो यू भी होगा, एक लीटर थोड़ा बहुत कम है, एक लीटर यू भी है तो इसमें दोबारा तक डाल लेंगे और चला के देखेंगे ट्रैक्टर ना भाई ठीक होया या नहीं होया। और जो भाई वीडियो में जत नहीं बताई थी आज चीज़ भाई पापा अगर बाई चांस पापा तो कोई और दिखा दो ना भाई इन तो पावर स्टेयरिंग भी ट्रैक्टर खराब कर दिया तो दिक्कत हो जो तो बाकी ई वी ओ ठीक करवा दी बढ़िया चाल लगा। और वो जो एक मिनट ऊपर चढ़ दूँ मैं देखो इसका ये टूट रहा था फेवी कोल के साथ और एम सी एल के साथ ये चिपका दिया हमने मजबूत तो ठीक है बाकी देखो टिक गया नहीं टिक गया। और इसने भी फटाफट है यार इसके ये भी टूट गए और पहला तो इसने निकाल लेंगे इस डोरी ने बाहर यहाँ आता है और फिर नई डोरी इसमें लगाऊंगे फिर इसमें स्क्रू टाइट करेंगे तो थोड़ा हाँ टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। मिलते हैं इन्हें फिट करने के बाद।